वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आज मैं जा रही हूँ सरोजी नगर मार्केट मैं थोड़ा बहुत बहुत थोड़ा बहुत नहीं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हो गई थी जिनको मैं एडिट ही नहीं कर पा रही थी और अपलोड भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि आ, मैं थोड़ा ट्रिप में गई थी तो वहाँ की बहुत सारी वीडियोज़ थी एंड मेरे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं था कि मैं कुछ और वीडियोस बना सकूं तो अब मेरे पास आ, स्पेस है और काफ़ी टाइम हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं की सरोजनी नगर की तो जो भी लेटेस्ट कलेक्शन होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी विथ शॉप नंबर एंड प्राइस आल्सो मैं आपको बता दूंगी और एथनिक वेयर भी मैं आपको दिखा दूंगी बिकॉज ऑफ अभी फेस्टिवल मतलब आ रहे हैं तो एथनिक वेयर भी मैं आपको दिखा दूँगी विथ शॉप नंबर एंड विंटर कलेक्शन ऑल्सो तो क्योंकि विंटर आने वाला है आप देख रहे हो एंड अक्टूबर तो आ ही चुका है तो विंटर कलेक्शन भी मैं आपको दिखा दूंगी सो लेट्स गो चलो किसी तरह तो मैं मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गई घर से काफ़ी दूर है मेट्रो स्टेशन एंड अब मैं सरोजी नगर पहुंच चुकी हूं और यहाँ पे तो वैसे खाली खाली सा लग रहा है ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं एंड आपको पता ही है सरोजी नगर गेट नंबर टू से एग्जिट करते ही आपको एयर का भंडार दिखने लग जाएगा वो भी ट्वेंटी रुपीज़ में ट्वेंटी रुपीज़ में इतनी सारी आपको एथनिक एयर दिखेंगे ना ऑक्सीडाइज वाले एयरिंग्स होते हैं ये और ये बैंगल्स वगैरह भी यहाँ पे मिल रहे हैं जो कि फ़िफ्टी रुपीज़ का पर पीस है और यहाँ पे ना मतलब नेल पेंट का कलेक्शन भी था जो कि सौ रुपये के पाँच मिल रहे थे मतलब ट्वेंटी रुपीज़ का एक पीस मिल रहा था तो यहाँ पे काफ़ी सस्ता था ये ज्वेलरी वगैरह एथनिक वेयर के लिए आपको मैंने भी यहाँ से एक एयर रिंग्स की जो मुझे अच्छी लग रही थी मतलब मैं ज्यादा पहनती नहीं हूँ तो मैंने सोचा चलो तो एक ही ले लेती हूँ बाद में कभी और ले लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक ही लिया मेरे पास कैश भी नहीं था और कैश निकालना था तो मेरे पास इतने ही पैसे थे <laughs> मतलब मैं सिर्फ बीस रुपये लेकर आई थी और कैश मुझे यहीं से निकालना था बाकी यहाँ पे स्ट्रीट में जितने भी जीन्स वग़ैरह लगते हैं वो पचास पचास रुपये के होते हैं टॉप स्वेटर वग़ैरह यहाँ पे सब कुछ पचास रुपये का होता है और उसके बाद हम यहाँ पर गेट नंबर थ्री से सरोजिन नगर मार्केट में एंट्री करेंगे एंड यहाँ पर एंट्री करते साथ आपको सामने ही ना ज्वेलरी का कलेक्शन दिखेगा जिनका स्टार्टिंग प्राइस ना सौ है सौ से वन तक इनका प्राइस होगा दो तो नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं और बाकी यहाँ पे जितने भी ये बैंगल्स वगैरह रखे हुए हैं कड़े रखे हुए हैं ये सारे सौ रुपये के थे इससे ज़्यादा का इनका प्राइस था ही नहीं ये जितने भी आप देख रहे हो ना कड़े चूड़ियाँ बैंगल्स वगैरह यहाँ पर सारे सौ के थे इससे ज़्यादा का कोई भी प्राइस नहीं था और बहुत सारी वाइटीज़ थी कलर्स भी बहुत सारे अवेलेबल थे एंड इनका ज्वेलरी का कलेक्शन जो था वो ट्वेंट टू हंड्रेड रुपीज़ से स्टार्ट था एंड टू हंड्रेड रुपीज़ से थोड़ा प्राइस बढ़ता चला जाता बाकी इनके साथ में ही यहाँ पर ये हैंड हैंडमेड वाले एयरिंग्स बने हुए होते हैं ना ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं तो इनका प्राइस है ना फिफ्टी रुपीज़ था और थर्टी रुपीज़ का उसके साथ में ही था एयरिंग्स और ये शॉप नंबर वन वन के बिल्कुल सामने ही लगता है अगर आप ना पहचान पाओ तो फिर उसके बाद ना मैं थोड़ा सा आगे आई शॉप नंबर वन जीरो वन के बिल्कुल अपोजिट साइड में यहाँ पे सौ रुपये के स्वेटर मिल रहे थे यहाँ पे हाफ स्वेटर भी था फुल भी था एंड यहाँ पे पैंट्स भी थे जो कि दो सौ रुपये से स्टार्टिंग प्राइस था बहुत सारे यहाँ पे अच्छे अच्छे कलेक्शन थे इनके पास जो हाफ स्वेटर के थे और मैं मतलब आपको लोकेशन अच्छे से दिखा रही हूँ कि यहाँ पर ऐसी जगह होगी और शॉप नंबर वन के बिल्कुल अपोजिट होगा शॉप नंबर सिक्सटी फ़ोर में ना आपको यहाँ पे चिकन करी वाले कुर्ते के डिज़ाइन बहुत सारे मिल जाएंगे और यहाँ पे प्राइस भी मेंशन था फोर फिफ्टी रुपीज़ और बाकी यहाँ पे कॉटन के कुर्ते भी थे जिनमें चिकन करी वाला वर्क हो रखा था फ्लावर्स बन रखे थे मतलब बहुत सारा काम भी हो रखा था लेकिन वो ढाई सौ रुपये में आपको मिल रहे थे और यहाँ पर मतलब लाइक उसे आप टॉप की तरह भी वेयर कर सकते हो तो ढाई सौ रुपये में ये था और बाकी शॉप नंबर फिफ्टी थ्री में ना आपको पूरा पूरा सूट का सेट मिल जाता कुर्ता ख़रीदना चाहते थे तो आपको कुर्ता भी मिल जाएगा पे तीन सौ साढ़े तीन सौ रुपए का प्राइस है ढाई सौ रुपए में भी स्टार्टिंग प्राइस है इनके पास और साढ़े छः सौ रुपए में भी आपको यहाँ पे सूट के कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे आपको सूट का सेट भी मिल जाएगा यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइंस और वराइटीज हैं जो आजकल ट्रेंडी सूट चल रहे हैं ना वो सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते प्राइस में और बाकी यहाँ पे शॉप नंबर फिफ्टी में जब मैं आई तो यहाँ पे विंटर्स के लिए जो टॉप होते हैं ना ऊनी टॉप वैसे ही यहाँ पे टॉप थे शॉप नंबर फिफ्टी वन में और यहाँ पे प्राइस भी ढाई सौ रुपये से स्टार्टिंग प्राइस था। स्वेटर भी अवेलेबल थे एंड शॉप नंबर फोर्टी नाइन में आपको बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे कलेक्शन स्वेटर के मिल जाएंगे इनके पास जिन्स के कलेक्शन भी अवेलेबल थे मतलब जिन्स भी था इनके पास टॉप भी थे एंड स्वेटर का कलेक्शन भी था इनके जो स्वेटर के कलेक्शन थे वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और बहुत ही क्यूट क्यूट से इनके पास कलेक्शंस थे और बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे एंड शॉप नंबर फोर्टी फाइव में जब मैं आई तो यहाँ पे मुझे चुन्नियों का कलेक्शन मिला मतलब दुपट्टा चुन्नी कहते हैं तो दुपट्टे के कलेक्शंस यहाँ पे बहुत ही सारे वैराइटीज़ में थे आपको जैसा चाहिए ना वैसा आपको मिल जाएगा कलर्स भी इतने सारे अवेलेबल थे इनके पास और यहाँ पे तो सेल भी लगा हुआ था सौ रुपये उसके साथ में ही यहाँ पे सूट का कलेक्शन भी मैंने देखा था तो मतलब शॉप नंबर फोर्टी फ़ोर दोनों में आपको एथनिक वेयर के कलेक्शन मिल जाएंगे एंड शॉप नंबर फोर्टी में भी यहाँ पर आपको सूट की वराइटीज़ मिल जाएगी अब नवरात्रे आ रहे हैं आपको पता है नवरात्र के लिए भी यहाँ पर इनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन थे इनका स्टार्टिंग प्राइस था साढ़े छः सौ रुपये साढ़े छः सौ रुपये से इनके पास स्टार्टिंग प्राइस था एंड कुर्ते का प्राइस तो आपको पता है तीन सौ रुपये ही होता है तीन सौ साढ़े तीन सौ तक ही इनका प्राइस होता है शॉप नंबर वन थर्टी सेवन ये मेरा फेवरेट शॉप नंबर है यहाँ पर ना आपको ज़ारा मैंगो एच एन एम के ना कलेक्शन मिल जाएंगे आपको जितना भी मतलब ब्रांड होता है ना ज़ारा एच एन एम मैंगोज वग़ैरह तो इनके कलेक्शन यहाँ पर आपको ज़रूर अवेलेबल मिल जाएंगे और इनकी जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और प्राइस भी थोड़ा हाई होता है तो शॉप नंबर फोर्टी में आ चलते हैं शॉप नंबर फोर्टी में आपको स्वेटर के कलेक्शन मिल जाएंगे काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे इनके पास भी और अगर आप बार्गेनिंग करवा कर यहाँ पर ख़रीदना चाहें तो वो भी हो सकता है स्टार्टिंग प्राइस आपको ढाई सौ रुपये से मिल जाएगा बाकी यहाँ पे श्रग वगैरह भी थे और इनके पास ना फॉर्मल कोट्स वगैरह भी थे एंड लॉन्ग जैकेट वगैरह भी था तो इनके पास बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने यहाँ पर वीडियो शूट करना चाहा ताकि आपको मैं बता सकूँ इनके पास बहुत सारे कलेक्शनस हैं विंटर के लिए और यहाँ पर हाफ स्वेटर वगैरह टे भी थे श्रग था इनके पास और फॉर्मल के लिए आप इनके पास कोट वगैरह भी था तो अगर आपको ब्रांडेड फुटवेयर के कलेक्शन चाहिए ऑलडोज़ारा एच एल एम वगैरह के अगर आपको फ़ुटवेयर के कलेक्शन चाहिए आई मीन हील्स वग़ैरह चाहिए तो आप शॉप नंबर वन थर्टी में आ सकते हो यहाँ पे मैंने न्यूली ओपन शॉप देखी जब मैं आई थी यहाँ पे मुझे तो ये न्यू ही ओपन देखा एंड यहाँ पे शूज़ वगैरह भी थे बूट्स का कलेक्शन भी था जो कि मतलब शूज़ जो थे ना वो भी नाइकी एडिडास वगैरह के थे मुझे तो ऑरिजिनल जैसे ही लग रहे थे बाकी मतलब एक होता है ना सेकेंड हैंड शूज़ वगैरह अगर जिनको लेना है वो आप ले सकते हैं और बाकी जो न्यू अफोर्ड कर सकते हैं तो वो न्यू ही बाय करेंगे तो यहाँ पे ना बूट्स वगैरह तो आपको न्यूली ही मिलेंगे बाकी फुटवेयर जो थे वो थोड़े सेकेंड हैंड थे बाकी ब्रांड का था सब एंड शॉप नंबर फोर्टी फोर शॉप नंबर वन फोर्टी फ़ोर में इनका लॉन्ग कोट का कलेक्शन था मल्टी कलेक्शन समझ लो इनके पास ना लॉन्ग कोट भी थे एंड डेनिम का कलेक्शन था मतलब स्कर्ट्स के कलेक्शन थे डेनिम स्कर्ट्स और भी फैब्रिक्स होते हैं स्कर्ट्स में तो वो भी थे इनके पास और साथ साथ इनका मैंने ना डेनिम जिन्स का कलेक्शन भी देखा जो कि स्टार्टिंग प्राइस तीन सौ साढ़े तीन सौ तक के थे और इनके पास मतलब रफ जीन्स के ज़्यादा मुझे कलेक्शन नज़र आ रहे थे बाकी इनके पास स्वेटर का भी कलेक्शन था शॉप नंबर वन फोर्टी फोर आप देख लेना अंदर के साइड पे भी इनके बहुत सारे कलेक्शन थे एंड शॉप नंबर वन फिफ्टी वन ये मेरा हमेशा से फेवरेट रहेगा क्योंकि मुझे अपने साइज के स्कर्ट्स यहीं पर अवेलेबल मिलते हैं इनका प्राइस भी बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस है आपको टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड में यहाँ पे स्कर्ट्स आराम से मिल जाएंगे बहुत सारी वेराइटीज़ है बहुत सारे डिजाइन हैं इनके पास अच्छे अच्छे वाले एंड शॉप नंबर फिफ्टी थ्री वन फिफ्टी थ्री इनके पास पफ जैकेट का न्यूली कलेक्शन है और स्टार्टिंग प्राइस जो था ना वो उनका थाउजेंड रुपीज़ था इस ज़्यादा ये कम करेंगे ही नहीं एंड इनके पास ना फॉर्मल जैकेट्स होते हैं ना जो ऑफिस वेयर के लिए पहनते हैं वो भी था इनके पास बहुत ही ज़्यादा वाले अच्छे अच्छे कलेक्शन थे एंड लॉन्ग कोट का भी इनके पास कलेक्शन है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा अच्छा सा लग रहा था कलर्स भी इनके पास बहुत ही प्यारे प्यारे थे मैंने देखा था येलो पिंक ब्लैक वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे एंड इनके पास सच में बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में कोट वगैरह है आपको आराम से सस्ते में मिल जाएगा एंड बाकी शॉप नंबर वन में रेडियो थे गारमेंट्स करके है ये एंड यहां पे थोड़ा बहुत मुझे जैकेट वगैरह दिख रहे थे जो कि हम कैजुअली uh, पहन सकते हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस था इनका भी 500 से स्टार्टिंग प्राइस था और आप से आपको यहाँ पे पफ जैकेट 500 हंड्रेड में मिल जाएंगे एंड इनके पास कुछ टी शर्ट वगैरह के भी कलेक्शन हैं अभी मतलब अभी चल रहे हैं थोड़ा बहुत और हुडी टाइप के टी शर्ट मैंने न्यूली यहाँ पर अभी देखा तो अभी थोड़ा बहुत ये सब चल रहा है बाकी थोड़ा और विंटर आएगा तो ये सब भी हट जाएगा टी शर्ट वग़ैरह यहाँ पर बस अवेलेबल मिले मुझे एंड शॉप नंबर वन में स्वेटर के कलेक्शन मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने यहाँ पे टू हंड्रेड रुपीज़ में मिल रहा था यहाँ पे मेंशन था और बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन थे इनके पास आप घर में भी वेयर कर सकते हो ये स्वेटर वग़ैरह और बाहर के लिए भी आपके पास इनके पास स्वेटर थे एंड साथ में ही ना बैग्स के कलेक्शन भी थे एंड पैजामा वगैरह भी था इनके पास विंटर के लिए स्कर्ट्स भी थे तो मैंने स्कर्ट्स भी देखे इनके पास और अंदर थोड़ी जगह कम थी और लोग शॉपिंग कर रहे थे इसलिए मैं थोड़ा अंदर गई नहीं बाकी साथ में इनका बैग्स का कलेक्शन भी था और बैग्स भी बहुत सारी मतलब वैराइटीज़ में बैग्स थे इनके पास ऊपर चल के मैं आपको दिखाती इतने सारे कलर्स और ब्रांडेड बैग एल वी गुची वगैरह सब कुछ था इनके पास स्टार्टिंग प्राइस थ्री हंड्रेड रुपीज़ थ्री हंड्रेड रुपीज़ से स्टार्टिंग प्राइस है इनका एंड क्रिस्टन डे वगैरह आप देख रहे हो ना इनका बैग का कलेक्शन मैंने गुच्ची के बैग भी देखे इनके पास और एल वी का बैग भी देखा मैंने तो मैं आपको बैग्स के कलेक्शन दिखाती हूँ स्टार्टिंग प्राइस है वन फिफ्टी रुपीज़ ये झोला सा आपको दिख रहा है ना आजकल मार्केट आते हैं तो हम यही टांग कर आते हैं तो <laughs> ये वाला आपको वन फिफ्टी रुपीज़ टू हंड्रेड रुपीज़ ऐसे मिल जाएगा बाकी आपको यहाँ पे ये जो छोटे छोटे बैग्स हैं साइड बैग्स हैं ये आपको थ्री हंड्रेड रुपीज़ के स्टार्टिंग प्राइस में मिलेगा और बाकी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं इनके पास सारे ब्रांड के बैग मिल जाएंगे गुच्ची एल वगैरह वो भी थ्री हंड्रेड में बाकी मैं आपको टोट बैग भी दिखाऊँगी इनके पास वो भी कलेक्शन है बाकी ये तो साइड स्लिंग्स बैग्स हैं तो ये थ्री हंड्रेड रुपीज़ के मिल जाएंगे आपको इससे ज़्यादा कम का नहीं मिलेगा बाकी यहाँ टोट बैग है जो कि थ्री हंड्रेड रुपीज़ का है मतलब ये तो बड़े बड़े बैग आ, आप ऑफिस ले जाने के लिए यूज़ करते हैं बाकी हम मार्केट वग़ैरह भी आ जाते हैं तो ऑफ़िस के लिए ये ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि लैपटॉप वगैरह रखना होता है लंच बॉक्स होता है बहुत कुछ होता है तो वो थ्री हंड्रेड रुपीज़ का था बाकी यहाँ पर जो टोट बैग है ना ये फ़ाइव हंड्रेड रुपीज़ का यहाँ पर मैंशन है ये प्राइस बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे आप ध्यान रखना तो ये टोट बैग भी आप ऑफिस वगैरह के लिए ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो ये थोड़ा इनकी जो क्वालिटी है ना ये जो फाइव हंड्रेड वाला बैग्स है तो इनकी क्वालिटी ना इन सबसे अच्छी होगी जो आप ये थ्री हंड्रेड रुपीज़ के बैग्स खरीदोगे ना इनसे काफ़ी अच्छी क्वालिटी होगी इनकी एंड शॉप नंबर वन फिफ्टी एट तो यहाँ पे ना मेरा दिल आ गया था ऐसे डेनिम जैकेट्स को देख कर लेकिन ये इतने बड़े बड़े थे ना कि मेरे साइज़ के तो अवेलेबल ही नहीं मिल रहे थे मैं तो छोटी सी हूँ बाकी यहाँ के जो जैकेट थे ना वहाँ मुझे बड़, बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में एंड इनके जो क्वालिटी है एंड मतलब जो इनका कपड़ा था ना वो बहुत ही सही था मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था अगर आपको भी डेनिम जैकेट्स चाहिए तो आप इस शॉप में ज़रूर आना और यहाँ से डेनिम जैकेट्स बाय कर सकते हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस था इनका भी एंड फिर मैं आई शॉप नंबर वन तो मैं यहाँ पर ऐसी टॉप के कलेक्शन देखने लग गई थी तो यहाँ पर ड्रेसेस वग़ैरह भी थे जो आप विंटर में वेयर कर सकते हो एंड इनके पास जो टॉप के कलेक्शन थे वो मुझे काफ़ी क्यूट क्यूट से लग रहे थे कलर्स भी इनके बहुत प्यारे प्यारे से लग रहे थे ये येलो वाला भी मुझे बहुत सही लग रहा था बाकी इनके पास भी पैंट्स जेंस वगैरह अवेलेबल हैं और ड्रेसेस वगैरह भी थे और आ, स्वेटर वगैरह भी लगे हुए थे इनके पास तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कलर्स भी इनके मुझे बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे ना तो मैं अट्रैक्ट हो रही थी एंड शॉप नंबर फिफ़्टी वन यहाँ पे अभी वैसे समर के लिए ड्रेसेस मिल रहे हैं आई I मीन mean, अभी तो अवेलेबल हैं बाद का पता नहीं अब आ जाते हैं शॉप नंबर सिक्सटीन में शॉप नंबर सिक्सटीन में जब मैं आई तो मुझे यहाँ के जो कोट के कलेक्शन थे लॉन्ग कोट है और इनका जो प्राइस है वो भी बहुत रीजनेबल प्राइस है स्टार्टिंग प्राइस फाइव हंड्रेड रुपीज़ एंड इनके पास ना आपको सारे साइज़ के कोट अवेलेबल मिल जाएंगे कलर्स भी इनके बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन थे आई I मीन mean, कलर्स थे और इनके पास डिज़ाइन भी बहुत सारा था और मुझे इनके जो कलेक्शन थे ना वो काफ़ी न्यूली लग रहे थे तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे इनके जो लॉन्ग कोट के कलेक्शन थे काफ़ी न्यू न्यू सा था इनका जैसे आप कहते हो सरोजी नगर में आके कि मुझे बहुत पुराना पुराना सा मिलता है लेकिन इनके शॉप में मुझे सारा न्यू न्यू सा कलेक्शन लग रहा था कि इनके पास अगर आपको पसंद ना आए तो शॉप नंबर हंड्रेड है उसमें आप चले जाना है यहाँ पर आपको इतनी सारी वाइटीज़ मिलेंगी इतने सारे कलेक्शन मिलेंगे कि आप देख देख कर थक जाओगे लेकिन इनका कलेक्शन ख़त्म ही नहीं होगा ये दिखाते जाएंगे दिखाते जाएंगे एंड इनका प्राइस भी पता है रीज़नेबल ही होता है बाकी आपकी बारगेनिंग स्किल पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से बारगेनिंग कर सकते हो वो तो आपको बोलेंगे हज़ार बारह लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से कम करवा सकते सकते हो कितने अच्छे से बार्गिन कर सकते हो बाकी आप सस्ते से सस्ता सामान खरीद सकते हो यहाँ से यहाँ पे प्राइस तो ज़्यादा बोलेंगे बट आपको आ, मतलब कम करवाना होता है और ख़रीदना होता है बाकी आप पे डिपेंड करता है बहुत अच्छे से बार्गेनिंग करो और ख़रीदो बाकी शॉप नंबर एटी फाइव यहाँ पर पफ जैकेट की वैरायटी आपको बहुत सारी मिलेगी अगर आपको कहीं और पसंद नहीं आता तो यहाँ ज़रूर पसंद आ जाएगा कोई ना कोई होगा और बाकी ये बच्चा लंच कर रहा था ही वॉज सेइंग हाई दीदी तो मैंने कहा चलो हाय बाकी यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब पफ जैकेट के कलेक्शन हैं और प्राइस भी इनका फ़ाइव हंड्रेड रुपीज़ हैं और बाकी ये लोग कभी कभी सेल लगाते हैं बाहर को तो बाहर को यहाँ पे जब सेल लगाएंगे तो वो आपको हंड्रेड रुपीज़ या टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड रुपीज़ में पफ जैकेट का सेल मिल जाएगा मंडे या फिर ट्यूजडे को इनका सेल पक्का पक्का लगता है मैं आपको बता देती हूँ बाकी शॉप नंबर एलेवन का कोट यहाँ पर ना अगर आपको ब्राउन कोट चाहिए ना तो ज़ यहाँ ज़रूर आना यहाँ पे इतने सारे ब्राउन कोट हैं कि मेरा तो दिल आ जा रहा था इनको देख देख कर और स्टार्टिंग प्राइस इन्होंने भी मुझसे यही कहा था एट हंड्रेड रुपीज़ बाकी आप अगर बार्गनिंग अच्छे से करवा सकते हो तो आप बहुत सस्ते में इसे बाय कर सकते हो बाकी इनके पास अभी मतलब समर के कलेक्शन भी थे थोड़े बहुत थोड़े बहुत ही थे ज़्यादा नहीं थे लेकिन फिर भी अक्टूबर सीज़न है ये लेकिन कुछ ना कुछ कलेक्शन समर के रहते हैं फिर भी मार्केट के अंदर बहुत लोग खरीदते हैं बाय करते हैं समर के कलेक्शन लेकिन फिर भी कुछ टाइम तक रहते हैं ये और बाकी जैसे ही धीरे धीरे करके दिसंबर आने लगता है तब तक सारे समर्स के कलेक्शन हटने लग जाते हैं विंटर कलेक्शन आ जाता है लेकिन अभी ज़्यादा फ़ायदा है विंटर कलेक्शन बाय करने में क्योंकि हर शॉप में आपको सेम ही प्राइस बोला जाएगा और हर शॉप में आपको एक जैसे ही कपड़े दिखेंगे शॉप नंबर एट में भी मुझे ऐसे ही कलेक्शन दिख रहा था लेकिन यहाँ पे जो हाफ़ स्वेटर थे ना उनके कलेक्शन मुझे ज़्यादा अच्छे लगे तो पता नहीं क्यों मुझे हाफ़ स्वेटर पता नहीं इतने अच्छे क्यों लगते हैं बाकी यहाँ पे सैंडोज पैगडी टाइप के टॉप भी थे और अभी अभी तो मुझे ये सब दिख रहा है बाकी शॉप नंबर सेवेंटी एट में भी मुझे एयर के कलेक्शन अगर आपको एयर चाहिए ना तो शॉप नंबर सेवेंटी के बिल्कुल अपोजिट में आ जाना यहाँ पर आपको एयर के कलेक्शन इतने प्यारे इतने प्रटी प्रटी एंड इनकी जो क्वालिटी है ना वो बाकी जगहों से बहुत अच्छी है और इनका जो प्राइस है वो भी बहुत अच्छा है <laughs> इनके प्राइस थोड़े से हाई है लेकिन इनकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है मैं सच कह रही हूँ क्योंकि मैंने इनके यहाँ से एयर रिंग्स बाय किया है एंड इनका जो प्राइज़ है ना वो इनका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है बाकी अगर आपको यहाँ से एयर सच में लेने हो तो प्लीज़ ज़रूर आना अगर आपका बजट हो तो बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मेरी वीडियो यहीं तक थी ओके देन बाय बाय